आज संडे था तो मैं सोचा कि क्यों ना कुछ आज अलग नाश्ता बनाया जाए। तो मैं सोचा कि उपमा बनाया जाए। तो सबसे पहले मैंने प्याज कढ़ाई में डाली और उसके बाद उसको ठीक से फ्राई किया और उसमें आलू आलू के पीस डाल दिए और साथ में उसमें मूंगफली भी डाल दिया ताकि थोड़ा स्वादिष्ट बन जाए बढ़िया। और अच्छे से भुनने के बाद मैं उसमें सूजी सूजी को भी जो कि ऑलरेडी घी में फ्राई करके रखा हुआ था तो उसको कढ़ाई में डाल दिया और उसके बाद उसमें मिर्ची नमक मिला के और थोड़ी देर के लिए पानी मिला के उसको ठीक से उबाल दिया राइट। और आप देख सकते हैं कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है और इसको ठीक से और अच्छे से उबल जाने देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा भूरापन आ गया सुना दिख रहा है राइट। पक चुकी है, थोड़ा और पकने देते हैं इसको, ढक्कन से कवर कर दिया। और अभी आप देखेंगे कि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो भाप बन के उड़ गया है। और हाँ अभी ये ठीक से पक चुकी है राइट। देखने में काफी अच्छा लग रहा है जो कि बेस्ट है संडे में अपने लंच के लिए। और साथ में मैं ककड़ी और एप्पल को भी काट किया है अपने नाश्ते में और वास्तव में बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है लंच के लिए अगर आप लाइट और हल्का खाना चाहते हैं राइट। जैसा कि मैं सोचा था इस संडे को, रियली ऑसम ऑसम आज।